हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट टॉप क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग 4 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं और वो आपके जनरल एसटीडीज के नाम से, जो आपकी टेस्ट के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ये 5वीं है हमारी, ठीक है। इसमें हम लोग टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो आईएएस पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फेमबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इससे 2015 में संयुक्त राष्ट्र के तीसरे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। सही बात है। सेंदाई फेमबर्ग ह्योगो फेमबर्ग फॉर एक्शन 2005 से 2015 का उत्तरवर्ती दस्तावेज है। ये भी सही बात है। यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। ये भी सही है। आपके तीनों कथन सही है, यानी कि आपका होगा पहले में डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। याद रखिए, क्या रखना है याद, कि तीनों आपके कथन सही है। याद रखना है आपको कि 14 से 18 मार्च 2015 को सेंदाई जापान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के तीसरे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फेमबर्ग को अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा है एशिया, क्या है, एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अधिमान्य व्यापार समझौता है जो एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग के तहत एक पहल है। सही है। दूसरा कथन है, एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के सदस्यों को भारत द्वारा दी गई टैक्स रियायतें विकासशील देशों की तुलना में कम विकसित देशों के लिए अधिक हैं। ये भी सही है। एशिया प्रशांत व्यापार में बांग्लादेश, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका आदि 6 देश शामिल हैं। ये गलत है। इसमें आपका एक कथन सही है, दो कथन सही है, लेकिन आपका तीसरा कथन गलत है। क्या है? इसमें 7 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया। एक बार फिर से बता देते हैं, बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया, ठीक है। तो इसमें आपका होगा एक और दो, यानी कि एक ए ऑप्शन सही है, एक और दो कथन सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन है, कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह अनिधिकृत खनन स्थलों का पता लगाने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। सही बात है। इस प्रणाली में सूचना के लिए पर्यावरण और मंजूरी की स्थिति को भी जोड़ा गया है। ये भी सही है। खान पेरी भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है। ये गलत है। इसमें सही क्या है? खान पेरी सेंट, याद रखना क्या बोल रहा हूँ, खान पेरी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CMPDI रांची, जो कि CIL की सहायक कंपनी है, और भास्कराचार इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फोरमेटिक्स द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही है, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा तीन का। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सरकार और किसान क्रमशः उपज खरीदने और बेचने के लिए बाध्य हैं। गलत है। बुआई के मौसम की शुरुआत में कृषि लागत एवं कीमत उद्योग की सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। ये आपका सही है। क्या है? दूसरा कथन सही है। इसमें MSP के अंतर्गत
सरकारी उपज को खरीदने के लिए बाध्य है, लेकिन किसानों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है, तथा यदि उन्हें किस उसके लिए अधिक मूल प्राप्त हो रहा है तो वे खुले बाजार में भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। कौन? किसान, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन केवल सही है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें केवल पूर्व में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया गया, गलत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी विद्यार्थियों के लाभ के लिए वर्ष में 3 बार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगी, ये भी गलत है, यानी कि आपके दोनों कथन गलत हैं। सही क्या है? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संस्था है। ये परीक्षाएं पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जा रही थी। सरकार ने विशेषज्ञों की देख रेख में वैज्ञानिक तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए NTA को अधिकृत किया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए NTA वर्ष में 2 बार सभी परीक्षाएं आयोजित करेगी। इनकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित शिक्षाविद द्वारा की जाती है। इसका CEO सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक होगा। इसके अलावा इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, जिसके सदस्य इसमें शामिल होने वाली संस्था के लिए जाएंगे से लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों कथन थे गलत, ठीक, डी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, समग्र शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह योजना केवल प्री स्कूल से उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक के लिए राज्यों को एकीकृत समर्थन प्रदान करती है, गलत है। योजना के लिए बजटीय आवंटन वहन पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा किया जाएगा, ये भी गलत है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इस योजना के लिए नोडल एजेंसी होगी, केवल इसमें 3 कथन सही है, आपको याद रखना है। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, सीखने के परिणामों में वृद्धि करना, बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यह 3 मौजूद योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को अपने अंतर्गत समावेशित करती है। समग्र शिक्षा योजना प्री स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरों के विद्यालयों को एक समग्र निरंतर स्कूल के तौर पर समझा जाता है और इस प्रकार यह स्कूल की शिक्षा के आवश्यक ढांचे में एक आदर्श बदलाव साबित हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षण संस्थान और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को नोडल एजेंसियों के रूप में सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना है। केंद्र और राज्यों के बीच योजना के लिए फंड साझाकरण का स्वरूप वर्तमान में इस प्रकार है। 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में और 3 हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 में होगा, ठीक। और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश के लिए यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 3 कथन सही था, ठीक है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीग्राम पर याद रखिए, हम ये PDF डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ये सैन्य अभ्यास है और ये सूची देश है, तो इसमें आपका संपीति है जो ये आपका भारत बांग्लादेश, और जो हैंड इन हैंड है ये आपका भारत चीन, और गरुण शक्ति है जो ये भारत इंडोनेशिया, और सूर्यकरण भारत नेपाल, ठीक है, याद रखिए। संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, हैंड एंड हैंड ये आपका भारत चीन के बीच, गरुड़ शक्ति है
ये भारत और इंडोनेशिया के बीच, सूर्य किरण ये भारत नेपाल के बीच, ठीक है याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आठ, इसमें याद रखिए क्या होगा आपका, होगा बी ऑप्शन सही, ठीक है सात का बी होगा, सॉरी सात का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ, सफर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। तो इसमें आपका यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा जैसे सभी मौसमी मानकों की निगरानी करेगी, सही है। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा विकसित किया गया, ये गलत है। वर्तमान में इसकी सेवा केवल दिल्ली और मुंबई में उपलब्ध है, ये भी आपका गलत है, केवल एक कथन सही है। सफर एक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया और भारत मौसम विभाग द्वारा परिचालित है। सफर वायु प्रदूषण और चरम मौसमी दशाओं सीमाओं के संबंध में जन जागरूकता को बढ़ावा देगी और इनसे निपटने की तैयारी में तेजी लाएगी। यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की दिशा जैसे सभी मौसम मानकों की निगरानी करेगी, ठीक। वर्तमान में यह दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में प्रदूषण में की प्रवृत्तियों के शीर्ष पूर्वानुमानकर्ता के रूप में कार्य करता है, कहाँ दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, ठीक है। तो इसमें आपका केवल एक सही था, सी ऑप्शन सही था, ठीक। क्वेश्चन नंबर नौ, राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित उपयोजना है, सही है। आजीविका के अवसरों के सृजन के अलावा यह योजना जलवायु लोचशीलता और पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देगी, ये भी सही है। इस योजना में केवल देश के उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं, ये आपका गलत है। इसमें कौन कौन शामिल हैं, इस मिशन में सीमित राज्यों में बांस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा जहाँ इसके सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभों, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल राज्यों में ये शामिल हैं, ठीक है। इसमें तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस है, फ्लड चेतावनी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फ्लड पूर्वानुमान को तैयार करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा भारत को नोडल केंद्र के रूप में नामित किया है, सही बात है। भारत ने स्वयं की सुनामी चेतावनी प्रणाली के अतिरिक्त विशेष रूप से कई अन्य एशियाई देशों के लिए नई चेतावनी प्रणाली विकसित की है, गलत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जलाशयों में बढ़ते पानी के स्तर के लिए भारत के बांधों की निगरानी करता है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका पूछा क्या है, कथन एक सही है और दो और तीन गलत है, लेकिन इसमें पूछा है उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा है क्या है सही नहीं है। तो एक दो सही नहीं है और तीन सही नहीं है, एक सही है आपका, ठीक है। फ्लड के पूर्वानुमान की तैयारी के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा भारत को नोडल केंद्र के रूप में नामित किया है। इसका अर्थ है कि भारत को एक अनुकूलित मॉडल विकसित करना होगा जो वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में बाढ़ की अग्रिम चेतावनी जारी कर सके। भारत के पास सुनामी के लिए एक चेतावनी प्रणाली है जो कई एशियाई देशों के लिए चेतावनी प्रणाली की क्षमता को दोगुना करता है। अन्य एशियाई देशों के लिए कोई नई चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं की गई है, ठीक है। फिर एक केंद्रीय जल आयोग जो भारत के बांधों पर नज़र रखता है, जलाशयों में बढ़ते पानी के स्तर की चेतावनी देता है जिसे आमतौर पर आने वाली बाढ़ का संकेत माना जाता है, ठीक। तो इसमें आपका दो और तीन कथन था, ठीक है सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 11, हाल ही में केंद्र सरकार ने
रोज समुदाय के रूप में जाने वाली जानी जाने वाली रिंग जनजाति को त्रिपुरा में वापस अपने गृह राज्य भेजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा रिंग जनजाति का मूल राज्य है? तो आपको बता देना है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम में रिंग जनजाति दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। 1997 में अंतर समुदाय हिंसा के कारण 30,000 से अधिक रिंग जनजाति जिन्हें मिजोरम में ब्रू के रूप में जाना जाता है मिजोरम से त्रिपुरा चले गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा है गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के आधार पर के बारे में सूचित किया जाएगा। दोनों कथन आपके सही हैं। क्या है? दोनों कथन आपके सही हैं। क्या होगा? अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 में ही उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके पिछले अपराध के लिए दंडित करना नहीं बल्कि निकट भविष्य में उसे अपराध करने से रोकना है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इसमें याद रखिए दोनों सही हैं, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समाजवादी सिद्धांतों का आधारित है? तो याद रखना समान कार्य के लिए समान भुगतान, ये सही है। ग्राम पंचायतों का गठन गलत है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी गलत है। इसमें केवल एक सही है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान के चौथे भाग में वर्णित किया गया है। संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, हालांकि इनकी सामग्री और दिशा के आधार पर ने तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ये नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 38 है आपका। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा निरापद सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 39 कुछ नीतिगत सिद्धांत जिनका राज्य द्वारा पालन किया जाना। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 कार और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियों का प्रावधान। अनुच्छेद 43 सभी कर्मियों के लिए वेतन, समुचित जीवन स्तर और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसरों की सुरक्षा। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर सुधारने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य का कर्तव्य। फिर बात करें गांधी सिद्धांत की, तो गांधी सिद्धांत में आपका अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। 43 बी में सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के उपभोग को प्रतिबंधित करना। अनुच्छेद 48 गाय बछड़ों और दूध देने वाले अन्य मवेशियों, बोझा ढोने वाले पशुओं को के बध को प्रतिबंधित करना और उनकी नस्लों को बेहतर बनाना। फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत में आपका अनुच्छेद 44 शामिल है। पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान आचार नागरिक संहिता 45 है। 6 साल की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल और उन्हें शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 है आधुनिक और वैज्ञानिक तौर तरीकों से कृषि एवं पशुपालन को व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 घोषित राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले स्मारकों
स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका राज्य की तथा राज्य की सार्वजनिक सेवाओं से अलग करना, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और सम्माननीय संबंध बनाए रखना। ठीक है, इसमें आपका केवल एक कथन सही था, 13 का। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन क्या है 14? परमादेश रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है आपको, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए है, सही है। ठीक है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने के संबंधी आदेश है, गलत है। इसे केवल प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें केवल एक है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय याद रखना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण और अधिकार अपेक्षा की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 15 अगला। भारत के संविधान का अनुच्छेद 35 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार से संबंधित था, जैसा कि आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और आपका 35A, क्या 35A हटा दिया गया है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। तो अब जो प्रावधान आपके पूरे भारत में लागू होंगे वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 35A था आपका जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार से संबंधित। क्वेश्चन है आपका 16। भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में भारत में इसे मौलिक और अत्यंतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली है, गलत है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के निर्गत होता है, ये सही है। खड़क सिंह मामले 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो ये भी गलत है। इसमें केवल आपका 2 सही है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने फैसला दिया कि गोपनीयता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अंतर्भूत है। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित विभिन्न मौलिक अधिकारों के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षण प्राप्त है, सही बात है। गोपनीयता के अधिकार को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है, लेकिन अन्य मौलिक अधिकारों की तरह यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन फिर है अगला। खड़क सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि व्यक्ति की गरिमा की को अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ में आवश्यक अवयव के रूप में शामिल करना चाहिए, लेकिन गोपनीयता के अधिकार को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। ठीक है, तो इसमें केवल दो कथन सही है आपका। ठीक है, याद रखिए, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध हैं, सही है। ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ये गलत है। इसमें आपका एक सही है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको अधिकार मिले हुए हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता,
संगठन अथवा संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के सब किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, ये सभी केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध प्राप्त हैं, ना कि व्यक्तिगत रूप से। इसके अलावा ये अधिकार केवल नागरिकों और शेयरधारकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन विदेशियों या कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों या निगमों इत्यादि के लिए नहीं है। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका केवल 17 का केवल एक होगा। ठीक है, ए ऑप्शन था। क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत पाया जा सकता है? प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के लिए प्रति दयाभाव रखना, ये गलत है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, ये सही है आपका। ठीक है, ये आपका, जैसा कि आपको पता होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लिखित हैं। ठीक है, और जो ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास करना राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। ठीक है, और संविधान के भाग 4A के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A(g) के तहत आपको प्राकृतिक वातावरण जिनके अंतर्गत वन झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, आपका ये मूल कर्तव्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं? चुनाव करने का अधिकार, सही है, मतदान का अधिकार, गलत है, शराब का व्यापार करने का अधिकार, ये भी गलत है, ख्याति का अधिकार, ये सही है। ठीक है, आपका 1 और 4 सही होगा। इसमें हदिया मामले 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, शादी करना उसके सार्थक अस्तित्व का एक अंतर्भूत भाग है। विधान प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और विचार करने की स्वतंत्र रूप से गारंटी देता है, अतः चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मतदान का अधिकार है जो आपका एक संवैधानिक अधिकार है, मतदान का अधिकार आपका एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मादक वस्तुओं के कारोबार को जारी रखना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, अतः प्रतिष्ठा के अधिकार एक मौलिक अधिकार आपका है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन था, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर आपका 20, अगला 20 है क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य हैं, गलत है। मूल कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये गलत है। सही क्या है? तो फिर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, इन्हें बाद में 1976 कब 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार 11 मौलिक कर्तव्य हो गए अब टोटल अभी करंट में। ठीक, और आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य USSR से के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, ना कि आयरलैंड से। ठीक, तो याद रखना 11 मौलिक कर्तव्य हैं अब आपके। क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्रमशः राज्य के नागरिकों के कर्तव्यों व राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है, सही बात है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है।
इसमें दूसरे में आपका क्या होगा? शासन के कार्यों को संपादित करने में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होता है। यह परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है आपका अगला, इसमें याद रखिए 1 और 3 सही है, और यह सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसमें 1 और 3 यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है, 21 का डी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है विचार। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ विशेष अधिकारों से वंचित करने की प्रवृत्ति लिए होते हैं। दूसरा है, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं तथा नीति निर्देशक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक। तो क्या होगा आपका 22 का सी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक। क्वेश्चन है आपका 23, उन्नत भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह ग्राम समुदाय के लोगों को कौशल शिक्षा प्रदान करने पर लक्षित कौशल विकास मंत्रालय द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, यह गलत है। इसका उद्देश्य ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के संग्रह और विद्यार्थियों को संलग्न करता है। दूसरा कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका सही है। उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थानों को न्यूनतम 5 ग्रामों के एक समूह को से संलयन करना, ताकि वे ये संस्थान अपने ज्ञान आधार का उपयोग कर उनकी इस आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान कर सकें, ठीक है। इसमें क्या है, सरकार ने 25 अप्रैल 2018 को उन्नत भारत अभियान 2.0 की शुरुआत भी की है, ठीक है। तो इसमें आपका केवल 2 कथन सही था, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 24, श्रम सुविधा पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह रिपोर्टिंग की सुविधा श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता और श्रम निरीक्षण की निगरानी को बेहतर बनाएगा, सही है। इसका प्रबंधन विकास तथा विकास DRDO द्वारा किया गया है, ये गलत है। यह एक विशिष्ट श्रम पहचान संख्या के माध्यम से कार्य करता है, ये सही है। 1 और 3 आपका सही है, क्या है 1 3 सही है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC द्वारा विकसित तथा प्रबंधित किया जाता है, ना कि DRDO द्वारा, ठीक है। किस द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया तो एवं प्रबंधित किया जा रहा है, ठीक है, DRDO द्वारा नहीं। तो इसमें 1 और 3 कथन सही है, तो यानी कि आपका होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 25वां, अगला क्वेश्चन है 25वां, वैश्विक दासता सूचकांक 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह विश्व व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, गलत है। उत्तर कोरिया और एटिया में आधुनिक दासता की विश्व में अधिकतम है, तो ये आपका सही है। इस सूचकांक में सम्मिलित 167 देशों में की सूची में भारत को 153वां स्थान मिला हुआ है, ये भी सही है। वैश्विक दासता सूचकांक जो है विकासन करता है, इसका वाक फ्री फाउंडेशन करता है, ठीक है, वाक फ्री फाउंडेशन करता है इसका, ठीक है, याद रखिए। वैश्विक दासता सूचकांक कौन जारी करता है, वाक फ्री फाउंडेशन, ये जो ठीक है 53वां स्थान मिला हुआ था, ठीक। तो ये थे आप, इसमें क्या क्या होगा 2 और 3 होगा, कथन आपका सही सी ऑप्शन होगा, ठीक। तो चलिए, आपके ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे।
पीसीएस फिर आईएएस प्रीलिम्स कोई भी हो उसके लिए, ठीक।